हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। अगली वीडियो में हम लोगों ने जाना था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कैप्चर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज, तो ध्यान से देखिएगा चार्ज क्या होता है। आप लोगों ने मैटर तो पढ़ा ही होगा। मैटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जब किसी मैटर पर जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है यानी डिफिशेंसी आ जाती है, या फिर इलेक्ट्रॉन की उसमें इंक्रीजमेंट हो जाती है यानी गेन हो जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट में यानी उस मैटर में एक टाइप का जो होता है प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं चार्ज। तो आइए देखते हैं चार्ज क्या होता है। कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इट इज़ द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर का इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है आंतरिक गुण। आंतरिक का मतलब यूँ है कि एकदम अंदर का गुण। कह रहा है दैट कास्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से जो मैटर होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है यानी प्रोड्यूस करता है। तो हमारे दिमाग में ये आता होगा, इस यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको डिस्कवर किसने किया था। तो इसको डिस्कवर करने के लिए अनेक अनेक साइंटिस्ट आए, बट जो मेन श्रेय जाता है वो जाता है कूलॉम्ब सर को, और इसलिए इसकी एसआई यूनिट जो है कूलॉम मानी जाती है। और इसको हम लोग इस मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं। बट सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होते हैं इसको डिफाइन किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी स्टडी जो है अराउंड 1742 से स्टार्ट की थी, और इसकी फाइनल जो डिस्कवरी इन्होंने बताई अराउंड 1746 या 7 में। इन्होंने ये बताया कि चार्ज जो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे तमाम बातें हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, यानी चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी जो चार्ज होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्शन लेस होते हैं, यानी कि उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। एक बात और, चार्ज जो होता है वो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। हमारे फंडामेंटल में 6 से 7 ही हैं। डेराइव्ड का मतलब जो किसी अन्य मेजरमेंट से होके आया हो। डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब ये होता है जो किसी दूसरे मेजरमेंट से होके आता है, उसे हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो कूलॉम्ब भी यानी कि जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी हमारा क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। इसको याद रखिएगा, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब आगे देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी जो चार्ज होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि लॉज ऑफ कंजर्व को, यानी जो चार्ज होता है ये कंजर्व होता है, ना तो इसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब समझिए चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इस बात को नोट करिएगा। फिर आगे देखते हैं, ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके कहने का मतलब ये है, अगर लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस का मतलब जैसे ले लीजिए पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास हम लेके आएंगे तो ये दोनों आपस में दूर भागेंगे, और उसी प्रोसेस को बोल देंगे हम लोग रिपेलाइजेशन। यानी कि अगर हम लाइक लाइक चार्जेस को क्या कर रहे हैं, पास में ला रहे हैं, तो चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे। बट यहाँ पे कंडीशन है, और अगर नेगेटिव साइन को ले लेते हैं सेम साइन, फिर भी रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेते हैं तो ये आपस में इनका अट्रैक्शन होगा। ये इनकी चौथी प्रॉपर्टी है, तीसरी। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए इसको देखना अति आवश्यक है और इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चार्ज जो होता है, चार्ज आल्सो शो इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। चार्ज जो होता है ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। क्वांटाइज्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, जैसे कोई एक बॉडी है उस पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो हो गया वो किसके बराबर होता है, यानी जैसे मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्यू है, वो बराबर होगा किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। अब यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज ऐसा सपोज किया गया है कि
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री चार्जेस। और यहाँ पे जो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और क्यू जो होता है चार्ज है। अब आगे देखिए, अब इसी के बेस पे हम लोग आगे करते हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए देखिए न्यूमेरिकल को। तो आइए हम लोग पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू मेक वन कूलम्ब, यानी कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी टू मेक वन कूलम्ब, यानी एक कूलम्ब चार्ज को क्रिएट करने में कितने कूलम्ब, एक कूलम्ब के चार्ज को क्रिएट करने में हमको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ ही रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है इसको सबसे पहले माइकल फेराडे नाम के एक ग्रेट फिजिसियन ने दिया था। फिर बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया था रॉबर्ट मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने इन 1912 में। सबसे पहले इसको माइकल माइकल फेराडे ने माइकल फेराडे ने सबसे पहले अपनी हाइपोथेसिस को लोगों के सामने एक्सप्रेस किया था। फिर बाद में एक साइंटिस्ट और आए जिनको हम लोग रॉबर्ट मिलिकन के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1912 में एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करके दिखाया क्यू इजिकल टू एन ई। तो इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू मेक वन कूलम्ब, यानी एक कूलम्ब के चार्ज को क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं क्यू इक्वल टू हमको गिवेन है वन कूलम्ब चार्ज। फिर हमको एन पता नहीं है, ई, अब ई क्या होता है, ई जो होता है ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको समझिए, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखिए, ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। अब हो गया, और यह देखिए क्यू इजिकल टू एन ही होता है, यहाँ से ई की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू पता है, तो एन को वही रहने दीजिए, ई को इधर भेजिए, आ गया आंसर। क्यू कितना हमको पास, हमारे पास यू वन है, एन हमको पता नहीं है, तो एन रहने दीजिए। ई कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। अब ई हमको फाइंड करना, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए और बाकी सबको इधर फेंकिए। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब इज इक्वल टू एन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको जब डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, और ये देखिए 19 माइनस में ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 10⁻¹⁹ हो जाएगा, और यहाँ बचा गया एन। अब देखिए इसको और आगे देखिए, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 5 या 10, 2 8 या 16 आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5/8 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। अब इसी को अगर और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.625 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब नहीं रहेगा, सॉरी 19 ई इलेक्ट्रॉन आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसी को आप लोग और लिख सकते हैं 6.25 × 1 हमने लिया तो हो जाएगा 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब समझिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक कूलम्ब चार्ज को क्रिएट करने के लिए 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। ये रियली में बहुत ही बड़े ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलिए हम लोग अब दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा न्यूमेरिकल। ये दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो डैट इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3.5 μC। अब इसको समझिए, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए फ्रॉम ए कंडक्टर, मतलब किसी एक कंडक्टर से। अब कंडक्टर क्या होता है इसको समझ लीजिए, कंडक्टर का मतलब ये हो गया द मटेरियल फ्रॉम विच द होल इलेक्ट्रिसिटी आर पास्ड, ऐसा कोई मटेरियल जिसमें से पूरा जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। जिसमें थोड़ा सा पास होता है उसे हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर, और जिसमें बहुत अच्छे से पास हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर, और जिसमें कुछ भी नहीं पास होता उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। ये सब आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ रखा होगा। तो खैर आगे देखते हैं,
कह रहा है कितने एक कंडक्टर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हटा लिया जाए कि उस पर 3.5 माइक्रो कूलम का पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब यहाँ समझिए, पॉजिटिव हम अगर इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, इसको पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर होता है माइनस का चार्ज। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व करता है, और ये जो होता है इसके ऊपर निगेटिव साइन होता है, और निगेटिव साइन होता है। अब समझिए अगर किसी, हमने कहा कोई एक मटेरियल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है या मैटर है, उसको उस पर क्या हो गया, उस पर डिफिशियंसी आ गई। क्या आ गई? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास, यानी उसके अंदर जो हो गया है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब निगेटिव चार्ज कम हो गया, जब निगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज तो सेम ही रहे, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएगा तो प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, यानी कि ये बॉडीज हो जाएगी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे एक कंडीशन और है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए हमको और मिल जाए, यानी इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो जाए, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज। अब समझिए क्यों, क्योंकि यहाँ मान लेते हैं एन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट थे तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएगा, मान लेते हैं 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया, अब समझिए यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम थे, जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो सेम नंबर चार्ज भी रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज भी बढ़ गया। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ हो जाएगा कि हम नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। बट वहीं अगर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कमी आ जाती है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए इसके ऑप्शन में क्या बोल रहा है, किसी एक कंडक्टर से हम कितने इलेक्ट्रॉन को हटा लें, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें कि उस पर 3.5 माइक्रो कूलम का पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है माइक्रो कूलम। अब यहाँ देखिए एक चीज़ हम बताए ना, इसको ध्यान दीजिएगा, माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 10^-6 कूलम। एक चीज़ और, 1 मिली कूलम इक्वल टू होता है 10^-3 कूलम। ये इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ये काम आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर क्या होगा, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है 3.5 माइक्रो कूलम चार्ज, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.5 × 10^-6 कूलम। ये हमको चार्ज पता है। अब हमको क्यू इजकल टू हम जानते हैं, यानी होता है क्यू हमको पता है 3.5 × 10^-6। एन हमको नहीं पता है तो एन वही रहने दो। ई हमको पता है, ई हम जानते हैं 1.6 × 10^-19 कूलम होता है। इसको अब इधर लेके आइए, जब इसको इधर लेके आएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 3.5 × 10^-6 अपॉन हो जाएगा ये 1.6 × 10^-19 इज इक्वल टू एन आ गया। अब यहाँ देखिए, वन वन डिजिट बार डेसिमल यहाँ पर भी है, 1 डिजिट बार डेसिमल यहाँ पे, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 35/16 × 10^-6 × 10^-19। अब देखिए ये -19 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिल क्या जाएगा, 35 × 16 × 10^-19 − 10^-6। अब यहाँ देखिए ये इंटू में है, और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा a^b × a^c, तो क्या हो जाएगा a^b − c। तो सेम यहाँ पर भी है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ गया, इसको जब डिवाइड करेंगे 2.18 × 10^13 इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका फाइनल आंसर। यानी कि अगर हम 2.18 × 10^13 इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर से रिमूव कर लेते हैं तो इस कंडक्टर पे क्या आ जाएगा, 3.5 माइक्रो कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब करते हैं हम लोग,
इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ये भी हम बता दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो आगे देखिए, बने रहिएगा इसी वीडियो में, लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इस लाइन को, इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जैसे कोई एक कंडक्टर है, लेट सपोज इट इज अ कंडक्टर। अब यहाँ से क्या हो रहा है, क्यू नंबर ऑफ या फिर एन नंबर ऑफ क्या है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। इस कंडक्टर से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये लग एन नंबर ऑफ चार्ज जो हैं, अगर पर यूनिट टाइम में, यानी हर एक टाइम में क्या है, इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं इसके क्रॉस सेक्शनल से। अब क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये है, जैसे ये क्या है, वायर है, या फिर लेट सपोज यहाँ वायर है या फिर कंडक्टर है, इसको आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद एक जो सर्कुलर एरिया दिखेगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। यानी कि ये क्रॉस सेक्शन, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल से होते हुए जो चार्जेस का फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ ई अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन इसका जो फार्मूला हो जाएगा क्यू इज क्यू बाई टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी आई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। और अभी पहले ही आप लोगों ने पढ़ के रखा है क्या कि चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलाम होता है, जो कि अगर टाइम का देखा जाए तो टाइम का सबका पता होता है, हर किसी को टाइम जो होता है वो सेकंड में मेजर किया जाता है। एक तो इसका जो यूनिट बनता है वो कूलाम पर सेकंड होता है, बट इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे स्मॉल ए एम पी आर ई, तो ये एम्पियर एसआई यूनिट मानी जाएगी, या फिर कैपिटल ए लिखेंगे, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए एम पी। बट अगर हम वहीं पर लिख देते हैं ए एम पी आर ई, इस कैपिटल से ए एम पी आर ई लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एंड्री मैरी एम्पियर, एंड्री मैरी एम्पियर, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। फ्रेंच साइंटिस्ट इनका नाम हो जाएगा, जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रिक करंट की खोज की थी। अब यहाँ समझिए, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसकी पास डायरेक्शन होता है, ये जो होता है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। यानी कि इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, निगेटिव का अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। अब यहाँ देखिए, इसके पास डायरेक्शन है पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, बट फिर भी ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको नोट रख, इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आती है क्यों है, तो क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब अगर वेक्टर लॉ क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो बहुत जल्दी 2 से 4 दिनों के अंदर 11th का कोर्स भी हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर पढ़ेंगे वेक्टर, वेक्टर पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग फिर वहाँ आपको समझा दिया जाएगा कि वेक्टर का जो लॉ है ये क्या है। वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल एडिशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, खैर उसमें कोई बातें नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसको समझिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसको नोट रखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बेस पे एक आध दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर दूसरा जो है टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहला न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर इन 10 मिनट इफ द करंट थ्रू इट इज 2.5 एम्पियर। क्या कह रहा है, हाउ मच चार्ज, यानी कितना चार्ज फ्लो होगा किसी एक वायर के थ्रू। लेट सपोज यहाँ पर क्या है, एक ये वायर है। अब इस वायर में क्या हो रहा है, 10 मिनट तक, यानी 10 मिनट तक हम क्या कर रहे हैं, 2.5 एम्पियर का करंट जो है फ्लो करा रहे हैं, 2.5। यही ये क्या है, ये क्या है, ये आपके पास इमेजिन कर लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि यही एक वायर है और लगातार 10 मिनट तक हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं। फिर पूछा क्या है, हाउ मच चार्जेस, यानी कितना चार्जेस जो होगा यहाँ से गुजर के जाएगा, प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सा आप लोग को देखिए गिवन क्या, सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखिए। आपको गिवन है टाइम, टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट। अब देखिए क्या मिनट जो है टाइम का एसआई सेकंड है, एसआई यूनिट है, नहीं है, तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, एसआई यूनिट में चेंज कीजिए।
अब मिनट नहीं होता तो क्या होता है, सेकंड होता है। अब आप ये जानते होंगे 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड। हेंस 10 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 सेकंड। कैसे, 10 × 60 कर दीजिए तो आ गया 600 सेकंड। ये आपका आ गया टोटल टाइम। अब आपको करंट कितना गिवन है, आई आपको दिया गया है 2.5 एम्पियर। अब दोनों से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है, देखिए क्या है, आई इजिकल टू होता है क्यू बाई टी। यहाँ से क्या हुआ, टी जो है इधर लेके आइए तो I × t हो गया, बचा इधर क्यू, और हमको चाहिए कि हमको क्यू ही चाहिए, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आपको पता है 2.5 × 2.5 है। अब टी, टी कितना है, टी यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पे दिया गया है 600 सेकेंड। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 पर टेबल डायरेक्टली इसे पढ़ दीजिए, 25 4 जा होता है 100, 5 जा 125, 6 जा 150, तो आ गया 25 6 जा जो हो गया 150, और 20 यहाँ से पहले लिख दीजिए, 20 है एज आई टू इसे उतार दीजिए। अब यहाँ देखिए एक अंक बाद क्या है, 1 डिजिट बाद डेसिमल है, तो इसे लगा दीजिए, इसकी कहानी जय हिंद। तो यहाँ बचा क्या, 1500 कूलम्ब। यानी कि अगर इसी वायर में हम 10 मिनट तक जो है 2.5 एम्पियर के करंट को करंट फ्लो कराएंगे तो लगभग 1500 कूलम्ब चार्ज क्या होगा, यहाँ से फ्लो होके जाएगा, इतने अमाउंट में क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो अब समझिए ध्यान से, इसको देखिए थोड़ा सा, ये कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत इजी जी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत हलवा क्वेश्चन को, केवल और केवल फीलिंग देने के लिए। और जब जो होगा पूरे चैप्टर का जो थ्योरी कम्प्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग कंसेप्ट वाइज हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन करेंगे, हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।